हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए चटपटा आलू का नाश्ता लेके आए हैं। तो ये हम आलू लिए हैं, ये आलू हम बॉयल कर लिए थे। ये बारीक कद्दूकस है, इस तरीके से हम इसमें कद्दूकस कर रहे हैं। आलू बॉयल है तो अच्छी तरीके से कद्दूकस हो जा रहा है। आलू कद्दूकस हो गया है, अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। देखिए बहुत बारीक कद्दूकस हुआ है। अभी आधा छोटा चम्मच दरबरा लाल मिर्च है, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला ले रहे हैं, आधा छोटा चम्मच जीरा है। ये दरबरा कुटा हुआ एक चम्मच अदरक और लहसुन है, बारीक कटा हुआ मिर्चा और धनिया, ये लहसुन के पत्ते हैं बारीक कटे हुए, कद्दूकस हुआ गाजर है बारीक, और बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च है। इसमें हम स्वाद अनुसार, ये मूँगफली है, मूँगफली हमने पहले से फ्राई कर लिया है। स्वाद अनुसार हम नमक मिला दे रहे हैं इसमें। इसको इस तरीके से हम चम्मच से मिला रहे हैं, तेल में नहीं फ्राई करेंगे, ये तो अभी जाएगा तो फ्राई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मिला ले रहे हैं मसाला को अच्छी तरीके से। अब मैदा ले रहे हैं, तो एक कटोरी हम मैदा लिए हैं, देखिए छोटी कटोरी से। इसमें अजवाइन डाल दे रहे हैं हल्का सा, दो चम्मच ऑयल डाल रहे हैं हम, ये खाने वाले चम्मच से दो चम्मच लिए हैं। बारीक कटा हुआ धनिया डाल रहे हैं, स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल दे रहे हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से पहले मिला ले रहे हैं। इस तरीके से हम सभी मैदा मिल गया है, देखिए। अब इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये मैदा हम लगा लिए हैं, तो इसको रख देते हैं 10 मिनट के लिए, सेट हो जाए मैदा। ये ढक दिए हैं कटोरी से, देखिए ये लगभग 10 मिनट हो चुका है मैदा। इसको इस तरीके से हम पहले मसल देंगे, मैदा हमारा सॉफ्ट हो जाए। अब हम लोई ले रहे हैं, तो बड़ी बड़ी हम लोई ले लिए हैं इस तरीके से। इसको हम सूखा मैदा लगा के बेल रहे हैं। इस ये देखिए ज़्यादा ना तो मोटा है ना तो पतला है, मीडियम साइज़ के बेले हुए हैं। अब इस तरीके से इसको गिलास से हम कट कर दे रहे हैं, ये एक साइज का कट हो जाएगा, ना तो छोटा ना तो बड़ा रहेगा। ये हम देखिए कट कर लिए हैं। अब इसमें हम आलू लगाएंगे, तो हम आलू एक तरफ ये छोटा चम्मच से रख रहे हैं। ये आलू इस तरीके से हम रख दे रहे हैं सभी पे। ये आलू रख दिए हैं, तो इसको पानी लगा के इस तरीके से हम फोल्ड कर दे रहे हैं, देखिए मोड़ रहे हैं दबा, ताकि आलू बहे ना तेल में। इस तरीके से हम चिपका लिए थे इसको कांटा चम्मच से, हम ऐसे डिजाइन कर दे रहे हैं। गुजिया मॉडल डिजाइन बन गई है इस पे, देखिए। आप चाहे जिस डिजाइन का बना सकते हैं। ये ऑयल हमारा गरम है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, मीडियम गरम है। इसमें हम डाल दे रहे हैं एक एक कर को। अब इसको हम चला दे रहे हैं, सब पलट दे रहे हैं, ताकि दोनों तरह अच्छी से हो जाए। ये देखिए फ्राई हो गए हैं, तो इसको हम पलट ले रहे हैं प्लेट में। इसी तरीके से हम और बना रहे हैं, तो इसको दूसरी डिजाइन फोल्ड कर रहे हैं। आप चाहे जिस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए इसमें हम पानी लगा लिए हैं, इस तरीके से इसको चिपका रहे हैं। पानी लगा लगा ऐसे इस डिजाइन का आप बना सकते हैं, अच्छी तरीके से चिपका दें ताकि खुले ना। पानी लगा के किनारे चिपकाई, देखे चिपक नहीं रहा, इसमें हम पानी लगाएंगे तो अच्छी तरीके से चिपकेगा, खुल जा रहा है अभी।
ये देखिए पानी लगा दिए तो सारे चिपक गए हैं। अब इसको हम तेल में डाल रहे हैं। सब एक साथ हम डाल दे रहे हैं, इसको पलट दे रहे हैं दोनों तरफ अच्छी तरीके से हो जाए। ये देखिए ब्राउन हो गया, तो इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं। इस तरीके से आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत चटपटा है। और हमारा तरीका अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।